भारतीय वायुसेना की ताकत अब और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से वायुसेना स्टेशन पठानकोट में अपनी सूची में NH-64E अपाचे हमला हेलीकॉप्टर को शामिल किया है। एयर चीफ मार्शल BS धनोहा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोहा ने पठानकोट एयरबेस में सेना को ये हेलीकॉप्टर दिए। आपको बता दें कि पठानकोट एयरबेस पर 2016 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया था। एयर चीफ मार्शल BS धनोहा ने बताया कि इन अपाचे हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी सीमा के पास तैनात किया जाएगा। अपाचे को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से माना जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 60 फुट ऊंचे और 50 फुट चौड़े होते हैं, जिन्हें उड़ाने के लिए दो पायलट की जरूरत होती है। इसके बड़े विंग के लिए दो इंजन दिए गए हैं, जिससे इसकी रफ्तार में बढ़ोतरी होगी। इसमें हेलीफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलें हैं। हेलीकॉप्टर में एक सेंसर भी लगा है, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर रात में भी बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में सहायक होगा। हेलीकॉप्टर में 30 ML की दो गन लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर की अधिकतम स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्होंने बताया कि यह हेलीकॉप्टर विभिन्न प्रकार के हथियारों को वितरित करने में सक्षम है। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय वायुसेना ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए बोइंग कंपनी और अमेरिका सरकार के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले 8 हेलीकॉप्टरों को निर्धारित समय पर पहुंचा दिया गया है और अंतिम बैच के हेलीकॉप्टरों को मार्च 2020 तक सुपुर्द किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। अभी तक ये एक सबसे पोटेंट और कैपेबल प्लेटफॉर्म है जो इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये जैसे मैं बोल रहा था, ये प्लेटफॉर्म 1985 से फ्लाई कर रहा है। 18 कंट्री से ज़्यादा में कहते हैं करीब 2200 मशीन्स फ्लाई कर रही हैं। और इतने सारे वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट जो आपने पढ़े होंगे, उसमें इन्होंने इस मशीन ने पार्ट लिया है और वो बहुत सक्सेसफुली पार्ट लिया है। तो आज नंबर एक तो ये Mi-35 को रिप्लेस कर रहा है इस कॉन में। नंबर दो, इसके सिस्टम्स और वेपन्स के साथ ये कैपेबिलिटी ऐड कर रहा है इंडियन एयरफोर्स में, सो दैट टुमारो अगर ज़रूरत पड़े वो कहीं भी जहाँ इस्तेमाल की जा सके। सर, सीमाओं पर काफ़ी तनाव है, ऐसे में कितना सक्षम है ये? बहुत ही सक्षम हेलीकॉप्टर है, उसमें कोई कष्ट नहीं। यूज़ कैसे करना है वो तो समय की बात है। क्या क्षमता है इसमें, क्या क्या है जो ये आपको इसमें? एक तो बहुत ही मनोरेबल एयरक्राफ्ट है, पावर काफ़ी है इसकी। ऊपर से आपका अगर वेपन्स देखो, आपके पास 30 mm गन है, 70 mm रॉकेट्स हैं, स्ट्रिंजर मिसाइल्स हैं, हेलफायर मिसाइल्स हैं। सर, मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो मौसम का ये ऑल वेदर है, ऑल वेदर एनी टाइम ऑफ द डे, नो प्रॉब्लम्स। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।